ऑल राइट सो मोस्ट कॉमन क्वाड्रेंट फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज अपर आउटर क्वाड्रेंट मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन कौन होता है स्पोरेटिक के अंदर हम बात करें तो पी फिफ्टी थ्री होता है और अगर हम बात करें फेमिलियल ब्रेस्ट कार्सिनोमा की तो उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल है ब्राका वन मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन इन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा एस पी फिफ्टी थ्री वही हम बात करें मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन इन ई आर पी आर पॉजिटिव कैंसर तो उसके अंदर है हमारे पास पी थर्टीन सी के पी सी के पिक भी याद रख सकते हो पिक की तरह ब्राका वन जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर सेवनटीन पे प्रेजेंट होता है वहीं जो ब्राका टू होता है वो थर्टीन पे प्रेजेंट होता है वहीं हम बात करें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस वन की तो वो क्रोमोसोम नंबर सेवनटीन पे होता है है ना अब देखो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें तो ल्यूमिनल टाइप ल्यूमिनल टाइप ए की हम बात करते हैं लुमिनल टाइप ए जो होता है वो हर टू नेगेटिव होता है और एस्ट्रोजेनिक प्रोजेस्ट्रोन पॉजिटिव हो सकता है तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है और इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है ठीक है फिर ल्यूमिनल टाइप बी भी होता है एक ल्यूमिनल टाइप बी भी दो तरीके का होता है एक होता है हर टू नेगेटिव वाला तो इसमें ए आर पी आर पॉजिटिव है और हर टू नेगेटिव है तो ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम देखते हैं के आई सिक्सटी सेवन अगर वो लेस देन फोर्टीन परसेंट है तो ल्यूमिनल टाइप ए है और अगर वो मोर देन फोर्टीन परसेंट है तो उस कंडीशन में वो ल्यूमिनल टाइप बी है लेकिन अगर हर टू पॉजिटिव है तो समझ जाना कि वो देखो ल्यूमिनल टाइप बी के भी दो होते हैं ना एक तो हर टू नेगेटिव वाला पोर्शन और एक हर टू पॉजिटिव वाला तो अगर हर टू पॉजिटिव है तो ये ट्रिपल पॉजिटिव हो गया ठीक है तो ये तो हो गया ल्यूमिनल टाइप इसके बाद में एक होता है बेसल टाइप जो कि यंग पेशेंट में देखने को मिलता है बेसल क्रिएटिन इसके अंदर देखने को मिलती है इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन और हर टू तीनों के तीनों ही नेगेटिव होते हैं इसीलिए इसे ट्रिपल नेगेटिव भी कहते हैं वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है और बेस्ट रिस्पॉन्स होता है टू कीमोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव भगवान ने इसको कुछ भी नहीं दिया ऊपर से वर्स्ट प्रोग्नोसिस है तो कुछ तो अच्छा देगा कंपनसेट करने के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी अगर पता चल जाए तो ठीक हो सकता है देखो हर टू में ये क्वेश्चन आता है अगर इसका लेवल जीरो से प्लस वन है तो इट इज़ नेगेटिव फॉर हर टू दीज कैंसर डू नॉट रेस्पॉन्ड टू ड्रग्स टारगेटिंग हर टू रिसेप्टर अगर टू प्लस है तो वो हो गया इक्वीवोकल और उस कंडीशन में हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं फिश के थ्रू फ्लोरिसिन इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टू रिक्वायर्ड टू क्लैरिफाई द हर टू स्टेटस और अगर प्लस थ्री है तो समझ जाना कि इट इज़ पॉजिटिव फॉर हर टू दीज कैंसर्स रेस्पॉन्ड टू ड्रग्स टारगेटिंग हर टू रिसेप्टर ठीक है अब ये जो लूमिनल टाइप ए है जिसकी हमने बात की बेस्ट प्रोग्नोसिस इसके भी तीन पैथोलॉजिकल टाइप होते हैं उसे याद रख सकते हैं पी टी एम से पी से हो गया पेपिलरी टाइप टी से हो गया ट्यूबुलर टाइप और एम से हो गया म्यूसिनस टाइप ट्रिपल नेगेटिव की बात करें तो इसके भी सब टाइप होते हैं इसमें हमें एम याद रखना है मेटाप्लास्टिक और मेडुलरी इसके अंदर म्यूसिनस नहीं है म्यूसिनस किसके अंदर है म्यूसिनस है ल्यूमिनल टाइप ए के अंदर ट्रिपल असेसमेंट में क्या क्या करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और हिस्टोपैथोलिक हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ये देखो ये मेमोग्राफी की जा रही है यहाँ पे ठीक है ये मेमोग्राफी की पिक्चर है अगर इस तरीके से मसल दिख रही है तो इसका मतलब कि ये क्या है एम एल ओ है एम एलो का मतलब मीडियल लेटरल व्यू और अगर मसल नहीं दिख रही है तो ये सी सी है क्रेनियोकोडल व्यू ठीक है मेमोग्राफी की बात करें तो हाई बेनिफिट एज कंपेयर टू रिस्क ऑफ एक्सपोजर पहली बात स्क्रीनिंग कब करते हैं जब एज मोर देन फोर्टी इयर्स की होती है तो हम मेमोग्राफी करते हैं ठीक है अगर कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल है हाई रिस्क कब कहेंगे जब वो ब्राका पॉजिटिव है या फिर रेडियोथेरेपी उसे दी गई है चेस्ट वॉल में किसी और कारण से दस से तीस साल हो गए तो उस कंडीशन में मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है एम आर आई एम आर आई कैन डिटेक्ट अगर कोई यंग पेशेंट आती है लंप के साथ तो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट इज एम आर आई मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर डी सी आई एस इज़ एम आर आई ठीक है लेकिन अगर बात हो मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर माइक्रो कैल्सिफिकेशन तो बात होती है मेमोग्राफी की निपल डिस्चार्ज की बात करते हैं ये ब्लडी है और अगर सिंगल डक्ट से निकल रहा है तो उसे कहते हैं इंट्रा डक्टल पेपिलोमा जिसका ट्रीटमेंट होता है माइक्रोडो माइक्रोडक्टोमी वहीं अगर मल्टीपल डक्ट से ब्लडी निपल डिस्चार्ज निकल रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है कार्सिनोमा को और अगर मल्टीपल डक्ट से ग्रीनिश डिस्चार्ज या विबग्योर निकल रहा है तो उसे कहेंगे हम डक्ट एक्टीजिया और इसका ट्रीटमेंट होता है फील्ड कॉन एक्सीजन बात करते हैं इन सीटू कार्सिनोमा की डक्ट कार्सिनोमा इन सीटू डी सी आई एस मोस्ट सेंसिटिव इसमें क्या होती है एम आर आई होता है मोस्ट सेंसिटिव कैल्सिफिकेशन कैन बी स्पोटेड ऑन मेमोग्राफी इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू बिकम इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इसके अंदर एक है कोमिडो नाम से इसकी क्या है वर्स्ट प्रोग्नोसिस है तो भगवान से दुआ करो आपको कभी कोमिडो वाला डी ना हो डी का मैनेजमेंट की बात करें तो डिपेंड करता है कि वो पेल्पेबल है या नॉन पेल्पेबल है पेल्पेबल है तो लम्पेक्टोमी कर देते हैं सिंपल मास्टेक्टोमी और अगर नॉन पेल्पेबल है तो हम करते हैं हुक वायर लोकलाइजेशन एक्सीजन बायोप्सी अब बात करते हैं एल की एल रेयरली has कैल्सिफिकेशन सो इट is not recognizable बाय मेमोग्राफी ठीक है दिस रेयरली प्रोग्रेस टू इन्वेस्टिव लोबुलर कार्सिनोमा रिसेंटली इट इज कंसिडर्ड एज अ बिनाइन विद मेलेग्नेंट पोटेंशियल हाँ तो ये छोटी मोटी बातें की हमने तो ये तो थे सीटू कारसिनोम अब बात करते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा की तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल मोस्ट कॉमन होता है इन्वेसिव लोबुलर की खासियत क्या होती है बायोलेटरल मल्टी सेंट्रिक होता है ई कैडहेरिन प्रेजेंट होता है और सिग्नेट रिंग भी पाई जाती है इसके अंदर इसके अलावा मेडुलरी और मेटाप्लास्टिक होता है जो कि टी एन बी सी या बेसल टाइप का होता है इसके अलावा म्यूसिनस जो होता है वो भी इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है इसे कोलोइड के नाम से भी जानते हैं एक ट्यूबुलर होता है जिसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है तो ये रटने वाली चीजें ठीक है ये प्योडो ऑरेंज है ड्यू टू क्यूटेनियस लिम्फेटिक एडिमा पेज डिजीज ऑफ ब्रेस्ट पहली बात तो ये कि यूनिलिटरल होता है सेवेंटी परसेंट ऑफ केसेज है डी सी आई एस पेजेड डिजीज ऑफ ब्रेस्ट के अंदर इस तरीके का दिखता है एक्जिमा जैसा ये क्या है सम ट्यूमर्स डोंट हैव कैल्सिफिकेशन एंड दीज कोल्ड दीज आर कोल्ड मेमोग्राफिकली ऑकल्ट डिजीज ठीक है सम एग्रेसिव कैंसर डेवलप क्विकली बिटवीन मेमोग्राम्स एंड दीज आर कोल्ड इंटरवल मेमोग्राम्स ठीक है वुमेन अगर थर्टी ईयर से छोटी है तो उस टाइम पर ब्रेस्ट यू एस टी करते हैं हम इट हेल्प टू डिफ्रेंश बिटवीन सोलिड एंड सिस्टिक ब्रेस्ट मासिस इतनी बात समझ में आती है अब हम बात करते हैं टी एन एम स्टेजिंग की टी वन जो है वो दो सेंटीमीटर से छोटा होता है टी टू जो होता है वो टू से फाइव सेंटीमीटर का होता है टी थ्री जो होता है वो मोर देन फाइव सेंटीमीटर का होता है अब बात करते हैं टी फोर ए की तो टी फोर ए का मतलब चेस्ट वॉल इन्वेजन तो इसमें सब इन्वेज होता है सिर्फ दो चीज़ें इन्वेजन नहीं होती है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर इसमें इनका इन्वेजन नहीं होता है टी फोर बी की बात करें तो टी फोर बी में आता है स्किन इन्वेजन तो इसमें स्किन इन्वॉलमेंट होता है स्किन इन्वोलमेंट का मतलब पी यू एस याद रखना है पाउडो ऑरेंज इस तरीके का दिखता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डर्मल एंड सब डरमल लिम्फेटिक्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इसके अलावा अल्सरेशन होता है एस से सेटेलाइट नोड्यूल देखने को मिलता है तो टी फोर बी में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है ठीक है तो स्किन रिट्रैक्शन या निप्पल रिट्रैक्शन जो कि होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है पाउडर वंच होता है इन्वॉल्व डिम्पलिंग भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है और डिम्पलिंग के पीछे कोज क्या होता है लेगामेंट ऑफ कूपर तो ये टी फोर बी हो गया टी फोर सी की बात करें तो इसके अंदर दोनों चीज़ें होती है चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट भी होता है और स्किन इन्वॉल्वमेंट भी होता है टी फोर डी की हम बात करें तो ये इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ब्रेस्ट होता है ठीक है क्राइटेरिया क्या होता है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ब्रेस्ट के लिए कि मोर देन वन थर्ड स्किन इन्वॉल्वमेंट इट इज़ अस नोवर बिकॉज देर इज़ नो इन्फ्लामेशन एक्सटेंसिव डरमल लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन दैट्स वाई इट लुक्स रैड एंड इन्फ्लोमेटरी डिस्टेंस मेटास्टेसिस आर सीन है बैड प्रोग्नेसिस और तीन साल की इसकी क्या होती है सर्वाइवल रेट होती है नोडल मेटास्टेसिस की बात करें हम तो एन वन में याद रखो एक्सिलरी लिम्फ नोड इप्सिलेटरल है और वो कैसे मोबाइल है एन टू ए के अंदर बात करेंगे एक्सिलरी लेफ्ट नोड एफ से लेटरल है बट वो अब फिक्स्ड हो गए एन टू बी याद रखो जहाँ पे भी बी आए वहाँ सोचो इंटरनल मेमोरी नोड्स तो एन टू बी हो गया एन टू बी के अंदर इंटरनल मेमोरी नोड हो गया एक होता है एन थ्री बी उसके अंदर इंटरनल मेमोरी नोड हो गए और एक्सिलरी लिम्फेटिक नोड हो गए दोनों उसके अंदर एड करना है हमको तो अब बचा एन थ्री ए तो इसके अंदर इन्फ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है और एक बचा एन थ्री सी क्योंकि एन थ्री बी की तो हमने पहले ही बात कर ली सी से याद रखो स सा, सा से याद रखो सुप्रा क्लेविकुलर लिफ नोड अब हम बात करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड के बारे में डिटेल में तो एक्सिलरी लिम्फ नोड के तीन लेवल्स होते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ठीक है ये हम देखते हैं पी माइनर से रिलेटेड स्टेशन है ये फिर हमने लिखना है एल पी एम एल से मतलब लेटरल टू पी माइनर पी से मतलब पोस्टीरियर टू पी माइनर और एम से मतलब मीडियल टू पी माइनर अब हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो पोस्टीरियर टू पी माइनर होते हैं उन्हें हम इंटरपेक्टोरल नोट्स भी कहते हैं या फिर रोटर्स रोटर्स नोट भी कहते हैं ठीक है ये बात समझ में आती है ये बस समझ में आ गई ना इसके अलावा ये जो सो कॉल्ड लेवल थ्री के नोड होते हैं ना इन्हें हम इन्फ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड भी कहते हैं लेवल थ्री ठीक है एन थ्री है इन्फ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड आर लेवल थ्री नोड लेवल थ्री नोड्स आर मीडियल टू पी माइनर प्रीफिक्स भी आ सकते हैं टी एन एम स्टेजिंग के आगे सी से हो गया क्लिनिकल पी से हो गया पैथोलॉजिकल आर से हो गया रिकरेंट कार्सिनोमा ब्रेस्ट वाई से हो गया न्यू एडजमेंट कीमोथेरेपी एम से हो गया मल्टीपल या मल्टीफोकल और ए से हो गया ओटोपसी ठीक है ब्रेस्ट और प्रोस्टेट से कैंसर क्या है बैट्सन प्लेक्सिस के होते हुए मैनन्जीस और स्पाइन में पहुंचता है तो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट से बेट्सन तक कैसे पहुंचता है थ्रू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन मेडिकेशंस used आफ्टर सर्जरी आर कोल्ड एडजुवेंट थेरेपी एंड मेडिकेशन used प्रायर टू सर्जरी आर कोल्ड नियो एडजुवेंट थेरेपी अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी की इन दिस ओनली अफेक्टेड एरिया इज़ रिमूव्ड इसके अलावा इसके अंदर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी दी जाती है तो मैं पूछता हूँ कि ये कब नहीं करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी तो एल ए बी सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है मल्टी सेंट्रिक मल्टी सेंट्रिक मतलब इस तरीके से अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर फैला हुआ है मल्टी सेंट्रिक प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में नहीं करते हैं ये ध्यान रख लो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कहाँ कहाँ नहीं करते हैं एल ए बी सी लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर मल्टी सेंट्रिक प्रेगनेंसी और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में नहीं करते हैं बात करते हैं मैस्टेक्टोमी की इसके अंदर क्या करते हैं होल ब्रेस्ट इज़ रिमूव्ड इफ़ प्री ऑपरेटिव लिफनोट बायोपसी इज पॉजिटिव देन एक्सेलरी लिम्फनोड डिसेक्शन इज आल्सो परफॉर्म्ड इफ़ लिम्फनोड बायोपसी इज नेगेटिव देन सेंटिनल लिम्फनोड बायोपसी एट टाइम ऑफ सर्जरी इज डन तो मेस्टेक्टोमी के टाइप हम पढ़ते हैं तो पहले पढ़ेंगे हम हालस्टेड रेडिकल मेस्टेक्टोमी तो क्या क्या कट करते हैं इसके अंदर निपल एर एरियो, एरियोला कॉम्प्लेक्स कट करते हैं लिम्फनोड हटा देते हैं वन टू थ्री तीनों लेवल के पैक्टोरलिस मेजर भी हटा देते हैं और पैक्टोरेस माइनर भी हटा देते हैं अब आती है उसके बाद में मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी तो इसमें क्या क्या कट करते हैं ब्रेस्ट विद निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स हटा दिया लिम्फ नोड हमने उड़ा दिए इसके अंदर हम क्या करते हैं सिर्फ पैक्टोरल फेशिया को हटाते हैं तो पैक्टोरस माइनर पैक्टोलिस माइनर का क्या होता है उसके लिए फिर हमने इसे और क्लासीफाइड कर दिया एक होता है ओचिन क्लाउस एक होता है स्कैन एक होता है पटी ओचिन क्लाउस में क्या होता है पी माइनर को हम रिट्रैक्ट करते हैं स्कैन लोन में क्या करते हैं हम इसे इंसाइज करते हैं और पट्टी में रिमूव करते हैं पी आर स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम तो आपने एक्सिलरी लिम्फ नोड का डायसेक्शन किया जिससे क्या हुआ लिम्फेडिमा पैदा हो गया ठीक है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रेजेंस ऑफ एंजियोसार्कोमा अब मलेग्नेट ट्यूमर इन अ पर्सन विथ क्रोनिक और लॉन्ग टर्म लिम्फेडिमा तो किसी पेशेंट को लिम्फेडिमा है और और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम उसे एनजीओ अगर डेवलप हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टीवर ट्रेवस सिंड्रोम कहते हैं अंटिलर लिम्फ नोड बायोप्सी इज डन ओनली ऑन नोड नेगेटिव ट्यूमर्स सच एज टी वन एन जीरो एम जीरो पता नहीं इस लाइन का क्या महत्व है a सेंटिनल लिम्फ नोड biopsy is डन ओनली on नोड नेगेटिव tumors सचेस as T1, N0, M0. ठीक है इंडिविजुअल लेस देन थ्री पैथोलॉजिकल involved सेंटिनल nodes माइट not रिक्वायर axillary node dissection. ठीक है एक होता है एक्सटेंडेड रेडिकल मेस्टेक्टोमी तो एक्सटेंडेड का मतलब इसमें हम और क्या हटा देते हैं इंटरनल मेमरी लिम्फ नोड को भी हटा देते हैं तो नाउ लेट्स इट तो ट्रैम और डी आई ई पी होता है डी आई ई पी बेस्ट होता है बेस्ट जबकि ट्रैम जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है ट्रैम की फुल फॉर्म होती है ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस मायूक्यूटेनियस फ्लैप तो इसका इन्वॉलमेंट होता है सुपीरियर एपीगेस्ट्रिक आर्टरी से एक होता है सुपर चार्ज ट्रैम उसके अंदर सुपीरियर एपीगेस्ट्रिक आर्टरी भी इन्वॉल्व होती है और इन्फीरियर एपीगैस्ट्रिक आर्टरी भी इन्वॉल्व होती है तो ट्रैम के अंदर हम करते क्या है स्किन फेट और मसल इंपॉर्टेंट यहाँ पे मसल आर मूव्ड टू द चेस्ट यहाँ से काटा यहाँ पे चिपकाया इट प्रोवाइड्स गुड कॉस्मेसिस एंड बल्क सिंस इट हैज अ सॉफ्ट टिश्यू डिसएडवांटेज क्या है इसका क्योंकि हमने एबडोमिनल वॉल को काट दिया मसल को काट दिया तो दिस विल लीड टू वीकनेस एंड हार्नियाज तो ये होता है बेस्ट डीप इन्फीरियर एपिगेस्टिक आर्टरी तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है इन दिस ओनली द स्किन एंड फेट आर मूवड टू द चेस्ट एज द मसल इज एक्सपेयर्ड देर इज अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एबडोमनल वॉल वीकनेस बात कर लेते हैं हम एडजुवेंट थेरेपी तो एक होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और एक होती है ब्रैकी थेरेपी ब्रैकी थेरेपी को हम इंटरनल रेडियोथेरेपी भी कहते हैं इन दिस सील्ड रेडिएशन सोर्स प्लेस्ड डायरेक्टली इन साइड और नेक्स्ट टू एरिया रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट इंडिकेशन फ़ॉर कीमोथेरेपी लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर हो गया लिफ नोड पॉजिटिव हो गया हाई टू न्यू पॉजिटिव हो गया ठीक है इंडिकेशन फ़ॉर रेडियोथेरेपी तो एल ए बी सी हो गया लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कन्जरवेटिव सर्जरीज हो गई उसमें भी करते हम लिम्फ नोट अगर पॉजिटिव है एनी ट्यूमर विच इज़ मोर देन फाइव सेंटीमीटर हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात करें हम तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन अगर पॉजिटिव है तो देते हैं अगर प्रीमोनोपोजल है तो टेमोक्सीफेन देते हैं दस साल तक ये जो टेमोक्सीफोन होता है इट कैन को सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और अगर इसकी बायोपसी करने पर यह आठ मिलीमीटर mm से ज़्यादा की आती है तो कैंसर हो सकता है ये दिक्कत वाली बात है पोस्ट मेनोपोजल वुमन को हम एरोटेज इन्हीबिटर देते हैं दस साल तक देते हैं साइड इफेक्ट होता है इसका ओस्टियोपोरसिस ठीक है ये देखो इसी चीज़ को दोबारा पढ़ लेते हैं एडजिवेंट थेरेपी प्री मेनोपोजल वुमन विद एस्ट्रोजन पॉजिटिव लो रिस्क ब्रेस्ट कैंसर हम देते हैं उसे टेमोक्सीफेन एज अ एडजिवेंट थेरेपी टेमोक्सीफेन कैन कोज कंजेनाइटल एनोमलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी इसकी बुरी बात है इसके अलावा और क्या बुरी बात है इसकी कि इट कैन कोज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एज वेल मेनोपोजल विद हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर है तो हम देते हैं एक्जी एज एडजुवेंट थेरेपी मेडिकेशन लाइक लुप्रोलाइड गोसलिन टू प्रवेंट ओवरिज फ्रॉम मेकिंग एस्ट्रोजन तो हमने क्या कर दिया ओवेरियन सप्रेशन भी कर दिया पोस्ट मोन अगर पोस्ट मेनोपोजल वुमन है विद एस्ट्रोजन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर तो हम एरोमेटेज इन्हीबिटर देते हैं एरोमेटेज इनिबिटर में क्या आता है तो उसमें आता है हमारा एग्जीमेस्टेन एग्जीमेस्टेन एनास्ट्रोजोल लेट्रोजोल ठीक है ये दस साल तक देते हैं हर टू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उस कंडीशन में क्या देते हैं ट्रेस देते हैं जिसके कार्डियोटॉक्सिक साइड इफेक्ट होते हैं इसके अलावा एक पर्टोजुमैब नाम की भी ड्रग होती है ठीक है तो एक क्वेश्चन था जिसमें ट्रिपल पॉजिटिव का ये था ल्यूमिनल टाइप बी हर टू पॉजिटिव एडजिवेंट ट्रीटमेंट क्या होगा इसका एंडोक्राइन थेरेपी कीमोथेरेपी एंड ट्रस्टमेप अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है ठीक है एंड देट इज मोर देन जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो उस कंडीशन में एडजिवेंट कीमोथेरेपी देते हैं ए सी रेजिमेन इसमें क्या क्या होता है साइक्लोफोस्फोमाइंड और डॉक्सोरोन होता है समटाइम्स अ टेक्सन ड्रग डोकेटक्सेल इज एडेड तो ये बन गया कैट रेजिमेंट एक होता है सीएमएफ रेजिमेंट उसमें क्या क्या होता है साइक्लोफोस्थोमाइट मीथोट्रक्सेट एंड फ्लोरोल होता है ठीक है ये क्या है ये क्लोज टाइप ऑफ ड्रेन है कॉमनली यूज आफ्टर मेस्टेक्टोमी रोमोवैक ड्रेन भी कहते हैं इसको ड्रेंस आर प्लेसड एड सर्जिकल साइट टू फ्रीली कलेक्ट दी एयर और फ्लूड दे मे अक्यूमलेट ठीक है बात खत्म हो गई एक बायरेड स्कोर होता है इसके लिए ब्रेस्ट के लिए जो कि निकालने के लिए यू एस जी मेमोग्राफी और एम आर आई सब का यूज़ करते हैं टायरेड स्कोर हम सिर्फ यू एस जी को देख के बता सकते हैं तो बायरेड स्कोर सिंपल है अगर दो है तो दो से याद रखो बेनाइन बिनाइन है तो मतलब हंड्रेड परसेंट फाइब्रो एडिनोमा है तीन हो गया तो वो फाइलोइीज़ हो सकता है टेन परसेंट चांसेस होता है कि इट कैन बिकम मेलेग्नेंट और फोर हुआ तो सस्पिशन ऑफ मेलेग्नेंसी है ठीक है बायरड फाइव की बात करें तो बायोप्सी करनी पड़ती है तो ये माइक्रो माइक्रोकैल्सिफिकेशन दिख सकता है बाइरेड फाइव में या फिर इस तरीके से स्पिकुलेटेड अपीरियंस देखने को मिल सकती है एक बात ध्यान रखना एस्ट्रोजन पॉजिटिविटी इज़ अ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन ब्रेस्ट कैंसर ये जो नीडल दिख रही इसे है इसे कहते हैं हम ट्रू कट बायोप्सी नीडल और ये फोर्टीन गोज़ की है ठीक है तो अगर लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है मतलब टी थ्री एन वन है एनी टी फोर एनी एन टू एनी एन थ्री तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम नियो एडजुवेंट थेरेपी देते हैं फिर एम आर एम करते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी और उसके बाद में रेडियोथेरेपी करते हैं काम ख़त्म अगर हार्मोनली पॉजिटिव है तो हार्मोनल थेरेपी हम उसको दे सकते हैं उसका हर न्यू स्टेटस जान के सो दिस इज़ ऑल